हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 884 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ओके, तो रोलर बना लेते हैं एक। तो रोलर जो होता है वो क्या करता है कि लेवल फील्ड को लेवल करता है ना। जैसे कि ये हमारा रोलर हो गया, ऐसे कुछ इसका लेंथ होता है। ओके, सो इट बिकम्स अ रोलर। तो ये रोलर क्या करता है, रोल करता है। तो रोल करने के कारण क्या होता है कि जो फील्ड होता है यदि उबड़ खाबड़ होगा, मतलब कि ऊंच नीच यदि होगी कहीं ज़मीन, तो ये बराबर कर देता है ना, ये रोलर होता है। तो ये ट्रैक्टर में भी लगा रहता है, जो पीछे से जो सॉरी ट्रैक्टर नहीं होता, बहुत बड़ी मशीन होती है उसे रोलर बोलते हैं। खैर, रोलर का हमें ये बनाया है मैंने। ओके, इसमें क्या कर रहा है कि 84 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मीन्स ये पूरा जो डायमीटर है वो है 84 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा एक्चुअली, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ये। ओके, 84 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब ये कह रहा है ना कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो एक प्लेग्राउंड है कहीं पर, उस पर 500 बार वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। तो रिवोल्यूशन करने का मतलब क्या कि ये एक बार घूमेगा ऐसे, माने कि यदि ऐसे एक बार ये घूम जाए, मतलब एक बार ऐसे घूम जाए तो उसको बोलेंगे कि वन रिवोल्यूशन। तो ऐसे ही घूम करके यदि मान लीजिए घूमेगा तो क्या होगा, वो कहीं पर एक फील्ड को प्लेन करेगा। मान लीजिए फील्ड है ये, कुछ फील्ड इतना है, लेट अस सपोज। तो यदि कितनी बार ये मान लीजिए ये उसमें बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है, तब जाकर के ये पूरा कवर कर पा रहा है ये पूरा एरिया और उसको लेवल कर रहा है। तो 500 बार करना, मतलब एक बार करेगा तो क्या होगा एक्चुअली। तो एक बार जब करेगा ये, सोचिए एक बार जब करेगा रिवॉल्व, तो मेरे ख्याल से उतना ही एरिया कवर करेगा। मान लीजिए एक बार रिवॉल्व किया तो इतना एरिया कवर किया, लेट सपोज। तो ये जो एक बार रिवॉल्व करने पर इतना एरिया कवर कर रहा है, एक्चुअली ये एरिया जो है किसके बराबर है, ये जो एरिया है वो किसके बराबर है। तो ये जो है बिल्कुल इक्वल होगा, यदि एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो ये इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया के, है कि नहीं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा रोलर का, वो एक रिवॉल्यूशन में कवर कर लेगा। तो कह रहा है कि 500 बार रिवॉल्यूशन करने पर, मतलब कि 500 बार जाएगा तब ये पूरे फील्ड को कवर कर पा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम निकालेंगे एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है। तो एक रिवोल्यूशन में ये अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के जितना ही कवर करता है। तो हम वही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। ओके, यदि ऐसा है तो हम पहले निकाल लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया इसकी क्या होगी। तो ये निकल जाएगा कि एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया होगा। अब जब एक रिवोल्यूशन में निकल जाएगा तो हम 500 से गुणा कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा एरिया फील्ड का, क्योंकि 500 बार रिवोल्यूशन करने पर ये पूरा प्लेग्राउंड को कवर कर ले रहा है कि नहीं। तो एक रिवोल्यूशन में एरिया कितना कवर कर रहा है, तो वो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल करके 500 से गुणा कर देंगे तो 500 बार रिवोल्यूशंस का एरिया आ जाएगा, और 500 बार रिवोल्यूशंस का जो एरिया आएगा वही तो प्लेग्राउंड का एरिया है। ओके, तो करते हैं। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज इक्वल टू, ये फार्मूला जानते ही हैं, 2πRh, सबसे फेमस फार्मूला। ओके, 2 × 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, 42 है क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। ओके,
42 सेंटीमीटर इंटू एच, हाइट जो है मतलब हाइट मीन्स लेंथ, लेंथ हो गया 120 सेंटीमीटर, ओके, सेवन से ये कट जाएगा, सचक 42, और हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 44 इंटू 22 इंटू, अरे सॉरी 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 44 इंटू 6 इंटू 120। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6 × 24 के 4, हासिल 2 × 24 = 25, 26 इंटू 120, और जो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा 12 × 48, 0 हो गया, 48 का 8, 4 बचा, 12 × 72, 72 × 72, 76 का 6, 7 बचा, 12 × 2 = 24, 24 और 7, 24 और 7, ओके 31 हो गया, 31 इतना हो गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये जो आया है वो एरिया आया है व्हेन इन वन रिवोल्यूशन, है ना, दिस इज इक्वल टू एरिया इन वन रिवोल्यूशन, इन वन रिवोल्यूशंस, ओके। तो अब क्या करना है, 500 रिवोल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर, तो लिख देंगे कि एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशंस, रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इंटू 500, तो एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन जो है 31,680 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में, है ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1/100 मीटर के, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यह आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20 और 20, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बराबर है 1/10,000 मीटर स्क्वायर, तो हम मतलब कि 10,000 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको कर देंगे 31680 इंटू ये हो जाएगा 500 होल अपान 10,000, ओके, तो 100 10,000 हो गया, इतना मीटर स्क्वायर अब हो गया ये, तो यहाँ पे कट पिट करेंगे तो यहाँ पे 00 कट गया 2 यहाँ से 500 का, और 5 से ये कटा, अच्छा 10 यहाँ पे कट गया और 5 से कट गया, 5 × 2 = 10, 2 से कटेगा तो ये मिलेगा 2 × 2 = 2, और यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यदि आपको अच्छे समझ में आया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आया तो, और यदि कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच।